नमस्कार दोस्तों, आज आप सबके लिए पुरानी फिल्म गुमराह से गीत, इसकी फरमाइश रहमान साहब ने की है। इसके इस फिल्म में दो वर्शंस हैं, एक सोलो वर्शन जो सैड वर्शन है जो महेंद्र कपूर जी ने गाया है, और दूसरा एक हैप्पी वर्शन है जो महेंद्र कपूर जी और आशा भोसले जी ने गाया है, और दोनों के मूड थोड़े अलग हैं। डेफिनेटली सुनील दत्त और माला सिन्हा जी की फिल्म। इसको गीत को साहिर लुधियानवी जी ने लिखा और रवि ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है। खूबसूरत गीत है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। तो इसका स्केल वैसे तो अलग है, लेकिन मैं आपको सी की के हारमोनिका पे जो मुझे ठीक लग रहा है उस हिसाब से दे रहा हूँ आपको। और शुरुआत में जो इसकी एक पुकार है उसको थोड़ा बहुत मैंने ट्वीक किया है अपने हिसाब से, एग्जैक्ट नहीं है वो, थोड़ा बजा कर दिखाता हूँ और उसके बाद हम इसको सीखते हैं। इस तरह से साउंड करेगा इस स्केल पे। तो शुरुआत एक पुकार जो है उससे करते हैं, जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा मिलता जुलता है। ओ हो हो ग नोट से ग प ध सा प ध प ग रे सा ग ओ हो 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 ह
सा ध रे सा रे सा ग रे सा ध रे सा रे सा। तो ये तीन लाइनें और उसके बाद एक छोटा म्यूजिक पीस। सा रे रे सा ग सा रे रे सा ध ध लोअर ऑक्टेव का नोट। सा रे रे सा ग सा रे रे सा ध सा। उसके अगली लाइन सा रे रे सा ग रे सा ध सा। उसके आगे मुखड़ा। इन हवाओं में इन फिजाओं में, प्रॉपर सी नोट सा से हम लोग बजा रहे हैं। सारे ग सा ध सारे ग सा ध ध सा सारे गरे। उसके बाद जब इस लाइन को सेकंड टाइम बजाएंगे तो आप सा के बदले रे से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पहली पहली बार सा से और दूसरी बार रे पे जो पहले बार एंड होगा वहीं से फिर रे रे ग सा ध ध सा रे ग रे। तुझको मेरा प्यार पुकारे रे 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 ग प ग सा रे 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 ग प ग सा सा। ग प ग सा सारे के सारे ब्लो के नोट्स हैं, तो आपको लगातार ब्लो नोट्स बजाने। आ जा रे ध सा रे ग रे। तुझको मेरा प्यार पुकारे हो रे 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 ग प ग सा ध सा। उसके आगे फिर एक पुकार सी है। ग प ध प ध प ध प ओ ग सा रे ध रे सा। उसके आगे अंतरा। तुझसे रंगत तुझसे मस्ती ग प प ध सा 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 अपर ऑक्टेव का। ग प प ध सा रे सा ध ध ध सा। ग प प ध सा रे सा ध ध ध सा। इन झरनों में इन फूलों में इन झरनों में इन फूलों में। रे सा ध ध प प ध प रे सा ग ग रे सा ध ध प प ध प रे सा ग ग।
इसके आगे की लाइंस दो लाइनें फिर इसी तरह से रिपीट होंगी और उसके बाद फिर अंतरे की तरह मिल जाएगा। मचली जाए शोक उमंगे, ये फिर से मुखड़े की तरह, सारे ग सा सा ध ध सा सा ध सा 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 रे ग रे ध सा 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 रे ग रे, दो बाहों का हार पुकारे, रे 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 ग प ग सा सा, रे 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 ग प ग सा सा। जा जा रे, तो बस इतना ही है सॉन्ग इस स्केल पे। आप बजा के देखिए, आप पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। आज का लेसन देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और लेसन एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए, जारी रखिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सुरों का ज्ञान आपका और अच्छा होता जाएगा, और एक दिन आप गाने को सुनकर, आपकी जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो गाने को सुनकर आपको सुरों का अंदाज़ लगेगा और आप खुद से भी बजा पाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती, इनमें काफ़ी समय लगता है और अपना इनहेरेंट म्यूज़िकल टैलेंट भी अलग अलग होता है। तो बस आप अपने से ही कंपटीशन रखिए, दूसरों को देखकर फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप खुद को बेहतर बनाने की हर दिन कोशिश कीजिए, तो आपकी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती जाएगी। थैंक्स वंस अगेन एंड बाय बाय।